फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम हरियाणा के मई 2019 के कंप्लीट मंथ के करंट अफेयर्स करेंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संदीप धारी एजुकेशन में। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हरियाणवी पहलवान बजरंग पूनिया ने रूस में अली अलीयेव इंटरनेशनल रेसलिंग चैम्पियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। तो हरियाणा के स्टार पहलवान है बजरंग पूनिया। तो इन्होंने रूस में आयोजित अली अलीयेव इंटरनेशनल रेसलिंग चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। तो बजरंग पूनिया ने इस प्रतियोगिता के फाइनल में 65 किलोग्राम भार वर्ग के फ्री स्टाइल में रूस के विक्टर रसादीन को जो है पराजित किया था। और इसके साथ ही बजरंग पूनिया अली अलीयेव प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान भी बन गए हैं। तो बजरंग पूनिया ने चीन में आयोजित एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2019 के 65 किलोग्राम भार वर्ग में भी स्वर्ण पदक जीता है। और ये 65 किलोग्राम भार वर्ग में विश्व में नंबर वन पहलवान भी है, जो हाल ही में ताज़ा रैंकिंग जारी है उसके अनुसार। तो बजरंग पूनिया का जन्म 26 फरवरी 1994 को हरियाणा के झज्जर में हुआ था। तो ये झज्जर के खुडन गांव के रहने वाले हैं और इस समय जो है बजरंग पूनिया सोनीपत में रह रहे हैं। नेक्स्ट, हरियाणा के किस एयर मार्शल ने ट्रेनिंग कमांड के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है? तो ये संभाला है एस के घोटिया ने। तो एयर मार्शल एस के घोटिया को भारतीय वायुसेना के ट्रेनिंग कमांड के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो एयर मार्शल एस के घोटिया जो है वो हरियाणा के हिसार जिले के रहने वाले हैं और इनके पास 1000 घंटे से भी अधिक समय का जो है वो फ्लाइट्स उड़ाने का अनुभव है इनके पास। नेक्स्ट है, सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा में हरियाणा की किस छात्रा ने दूसरा स्थान हासिल किया है? तो ये किया है भव्या ने। तो भव्या पानीपत के रहने वाली है और इसने 12वीं की सीबीएसई की परीक्षा में देश भर में दूसरा स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट है, हरियाणा में लोकसभा आम चुनाव 2019 के समय कितने मतदाता है? तो इसमें है 1,80,56,896 मतदाता। जो इसमें हरियाणा में लोकसभा आम चुनाव 2019 है तो इसमें 1,80,56,896 मतदाता हरियाणा में है। नेक्स्ट है, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने हरियाणा के किन दो खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की सिफारिश की है? तो ये की है विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को। तो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने हरियाणा के स्टार पहलवान बजरंग पूनिया और महिला स्टार पहलवान विनेश फोगाट को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 देने की सिफारिश की है। तो ये दोनों ही पहलवान जो है वो अपने क्षेत्र में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था विराट कोहली और महिला वेट लिफ्टर मीराबाई चानू को। नेक्स्ट है, किस राज्य में आयोजित 5वीं राष्ट्रीय स्तर की पिस्टल प्रतियोगिता में हरियाणा ने 6 मेडल जीते हैं? तो ये प्रतियोगिता मध्य प्रदेश में आयोजित हुई थी। तो मध्य प्रदेश के रतलाम में आयोजित 5वीं राष्ट्रीय स्तर की पिस्टल प्रतियोगिता में हरियाणा की टीम ने 6 मेडल जीते हैं। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार द्वारा मानव तस्करी रोकने के लिए किस नाम से विशेष अभियान शुरू किया गया है? तो ये किया गया है मानवता बिक्री के लिए नहीं है। तो पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय हरियाणा द्वारा जो है वो मानव तस्करी रोकने के लिए ये विशेष अभियान शुरू किया गया है। तो मानवता बिक्री के लिए नहीं है नामक इस परियोजना को प्रदेश के सभी जिलों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से जो है वो लागू किया जा रहा है। तो इस अभियान के तहत मानव तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण के पीड़ितों को जो है कानूनी सहायता, संरक्षण और पुनर्वास के जो है वो इसके तहत प्रयास किए जाएंगे और उनको सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जाएगी। नेक्स्ट है, एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2019 में बॉक्सर मनीषा ने कौन सा पदक जीता है?
तो इसमें मनीषा ने कांस्य पदक जीता है। तो मनीषा जो है वो केथल की रहने वाली है और मनीषा ने थाईलैंड में आयोजित एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2019 में कांस्य पदक जीतकर हरियाणा और देश का नाम रोशन किया है। नेक्स्ट, हरियाणा की किस पर्वतारोही ने हिमालय पर्वत श्रृंखला इमजा को अभी जो है अप्रैल में फतेह किया है? तो ये है रेखा चौकन। तो रेखा चौकन जो है वो रेवाड़ी की रहने वाली है। रेवाड़ी की रेखा चौकन ने हिमालय की 6,180 मीटर ऊंची पर्वतमाला इमजा पर अप्रैल 2019 में सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। तो इससे पहले जो है वो रेखा चौकन अफ्रीका की किलिमंजारो चोटी को भी फतेह कर चुकी है। नेक्स्ट, हरियाणा निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए पहली बार कौन सा सर्च इंजन बनाया है? तो ये है वोटर सर्च इंजन। तो हरियाणा के मतदाताओं की सुविधा के लिए पहली बार हरियाणा निर्वाचन आयोग ने वोटर सर्च इंजन बनाया है। तो इसके माध्यम से वोटर को अपने वोट की जानकारी जो है वो तेज गति और आसानी से प्राप्त हो सकेगी। तो पहले जो है वो इनकी साइट के ऊपर अगर किसी को वोट देखना होता तो पीडीएफ होती थी उसमें, और उसमें से उसको डाउनलोड करके फिर उसमें देखना पड़ता था। परंतु तो अभी जो इन्होंने इसमें सर्च की फैसिलिटी दे रखी है एडवांस की, तो उसमें जो है वो आप जल्दी से अपना नाम उसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट है, एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2019 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है चंडीगढ़ में। तो चंडीगढ़ में 27 अप्रैल से लेकर 3 मई तक एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2019 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा चुनाव आयोग ने राज्य के मतदाताओं की सुविधा के लिए गूगल असिस्टेंट की तर्ज पर किस ऐप को लॉन्च किया है? तो ये की गई है वोट असिस्टेंट नामक ऐप। तो हरियाणा चुनाव आयोग ने राज्य के मतदाताओं की सुविधा के लिए गूगल असिस्टेंट की तर्ज पर वोट असिस्टेंट नामक ऐप को लॉन्च किया है। तो अधिक से अधिक लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए जो है वो इस ऐप को लॉन्च किया गया है। तो इस ऐप में मताधिकार से संबंधित सभी जानकारी जो है वो उपलब्ध करवाई गई है, यानी कि आपका जो वोट है वो किस बूथ पर है, कौन सी उसकी लोकेशन है, वो इत्यादि जानकारी जो वो इस ऐप के माध्यम से आपको वहाँ पे मिलेगी। और आपको जो है वो मतदान के दिन का भी जो है वो ये ऐप रिमाइंड करवाता रहेगा। तो ये जो है हरियाणा चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए लॉन्च की है। कौन सा हरियाणवी सिंगर सिंगिंग रियलिटी शो द वॉइस सीजन 3 में विजेता बना है? तो ये हैं सुमित सैनी। तो स्टार प्लस के ऊपर प्रोग्राम आया है सिंगिंग रियलिटी शो द वॉइस सीजन 3। तो इसका जो है खिताब हरियाणवी सिंगर सुमित सैनी ने जीता है। तो सुमित को जो है वो इसमें 25 लाख रुपए की इनामी राशि मिली है और विजेता की ट्रॉफी भी मिली है। तो दोस्तों, सुमित सैनी जो है ये यमुनानगर जिले के साढ़ोरा के रहने वाले हैं और सुमित सैनी का जन्म 30 जुलाई 1992 को हुआ था। तो द वॉइस सीजन 3 के विजेता सुमित सैनी है। नेक्स्ट है, अमेरिका के न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर में कुश्ती लड़ने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये हैं बजरंग पुनिया। तो हरियाणा के स्टार पहलवान हैं बजरंग पुनिया, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा। तो इन ये जो है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में मेडिसन स्क्वायर एक जगह है, तो वहाँ पर कुश्ती लड़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो ये जो है वो हरियाणा के लिए काफ़ी गर्व की बात है। तो इन्होंने जो है वो 6 मई 2019 को इनका मुकाबला हुआ था बजरंग पुनिया का, अमेरिका का जो कुश्ती का खिलाड़ी था ये थे ययानी डिएकोमा हिल्स, जो कि 2 बार के राष्ट्रीय विजेता है अमेरिका के, उनके साथ मुकाबला हुआ था। तो इस मुकाबले को ग्रेपल एट द गार्डन, बीट द स्ट्रीट्स नाम दिया गया था। और इस मुकाबले में बजरंग पुनिया जो है वो 8-10 के मुकाबले जो है वो हार गए थे। तो बजरंग पुनिया 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल भार वर्ग में जो है वो खेलते हैं और विश्व के नंबर वन पहलवान है इस समय 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल भार वर्ग में। तो बजरंग पुनिया का जन्म 26 फरवरी 1994 को हरियाणा के झज्जर के खुडन गांव में हुआ था और इस समय ये
सोनीपत में रह रही हैं। तो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में बजरंग पूनिया को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की भी सिफारिश की है। और बजरंग पूनिया जो है वो काफ़ी उभरते हुए खिलाड़ी हैं हरियाणा के। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस युवक को नो कॉस्ट कास्ट नो रिलीजन नो गॉड सर्टिफिकेट मिला है? तो ये दिया गया है रवि नास्तिक को। तो हरियाणा के टोहाना के रहने वाले हैं रवि कुमार, तो इनको जो है वो अब रवि नास्तिक के नाम से जाना जाएगा। तो इसके लिए जो है वो रवि को तहसील कार्यालय से नो कॉस्ट कास्ट नो रिलीजन नो गॉड जो है सर्टिफिकेट जारी किया गया है। और यह जो है वो देश का इस तरह का पहला मामला है। हालांकि जो प्रशासन है, जिला प्रशासन, उसने अभी जो है इस सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया है। तो ये जो है जारी किया गया था रवि नास्तिक को, नास्तिक होने का सर्टिफिकेट, जिसको प्रशासन ने रद्द भी कर दिया है, परंतु रवि जो है वो भी कोर्ट में भी जा रहे हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले के मुक्केबाज गौरव सोलंकी ने फेलिक्स स्टेम अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये हैं फरीदाबाद के रहने वाले। तो फरीदाबाद के राजीव कॉलोनी में रहते हैं मुक्केबाज गौरव सोलंकी। इन्होंने पोलैंड में आयोजित 26वें फेलिक्स स्टेम अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग टूर्नामेंट में 52 किलोग्राम भार वर्ग में इंग्लैंड के विलियम काउली को हराकर गोल्ड मेडल जीता है। तो इस प्रतियोगिता का आयोजन जो है वो 28 अप्रैल से लेकर 5 मई तक किया गया था पोलैंड में। तो गौरव ने जो है 2018 में ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भी स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट है, हरियाणवी बॉक्सर मनीष कौशिक ने 26वें फेलिक्स स्टेम अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है? तो मनीष ने भी स्वर्ण पदक जीता है। तो हरियाणवी बॉक्सर मनीष कौशिक ने जो है वो पोलैंड के वारसा में आयोजित 26वें फेलिक्स स्टेम अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है। तो गौरव सोलंकी और मनीष कौशिक दोनों ने ही जो है वो इस टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है। तो मनीष कौशिक भिवानी जिले के देवसर के रहने वाले हैं और मनीष ने भी 2018 में ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीता था। नेक्स्ट है, सीनियर एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2019 में हरियाणा की पूजा बोहरा ने कौन सा पदक जीता है? तो इसमें पूजा ने स्वर्ण पदक जीता है। तो हरियाणवी बॉक्सर है, सॉरी, बैंकॉक में आयोजित हुई थी ये सीनियर एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2019। तो इसमें जो है वो 81 किलोग्राम भार वर्ग में भिवानी की रहने वाली पूजा बोहरा ने स्वर्ण पदक जीता है। तो भिवानी को, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, कि बॉक्सिंग के कारण ही मिनी क्यूबा भी कहते हैं। नेक्स्ट है, CBSE की 10वीं की परीक्षा में हरियाणा की किस बेटी ने टॉप किया है? तो ये है दिवजोत कौर। तो दिवजोत कौर अम्बाला के रहने वाली है। तो दिवजोत कौर सहित जो है वो 13 बच्चों ने 500 में से 499 अंक लेकर CBSE के 10वीं की परीक्षा में टॉप किया है। नेक्स्ट है, हरियाणा के स्किल डेवलपमेंट पासबुक कंसेप्ट को किस देश की यूनिवर्सिटी ने अपने यहाँ लागू करने में मदद मांगी है? तो ये मांगी है किर्गिस्तान ने। तो हरियाणा शिक्षा विभाग ने राजकीय विद्यालयों में शिक्षा का स्तर जांचने के लिए स्किल पासबुक कंसेप्ट लागू किया हुआ है। तो इसके तहत जो प्रत्येक विद्यार्थी की एक स्किल पासबुक तैयार की जाती है, जिसमें उसकी पढ़ाई के बारे में जो है वो सभी जानकारी दर्ज की जाती है कि बच्चा जो है वो किस सब्जेक्ट में कितना जो है उसका इसमें स्कोर रहता है, किस में उसकी रुचि है, किस में उसकी नहीं है, ताकि उसी हिसाब से जो उसको अगली क्लास में जो उसकी कमजोरियां हैं उनको ध्यान देकर उसे अच्छे लेवल पर ले जाया जा सके। तो ऐसी जो है वो एक ये स्किल पासबुक मेंटेन की जाती है। तो अब किर्गिस्तान यूनिवर्सिटी ने हरियाणा से एक इस कॉन्सेप्ट को अपने यहाँ पर लागू करने में मदद मांगी है। नेक्स्ट है, NGT की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा के कितने ब्लॉक में ग्राउंड वाटर लेवल के हालात चिंताजनक है? तो ये है 64 ब्लॉक। तो एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो इसने जो है वो हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके अनुसार हरियाणा के 120 ब्लॉक में से
64 ब्लॉक एरिया में जो है वो ग्राउंड वाटर लेवल की टेबल के हालात खतरनाक स्थिति में पहुंच चुके हैं, और इसमें से भी जो है वो 5-10 इलाके तो ऐसे हैं जिसमें बिल्कुल ही खतरनाक स्थिति में पहुंच चुकी है। नेक्स्ट है, देवसर धाम हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो देवसर धाम जो है वो भिवानी में है, तो हरियाणा के भिवानी जिले में देवसर धाम है। तो देवसर धाम देवी दुर्गा को समर्पित है। तो भिवानी को जो है वो छोटी काशी भी कहते हैं और मिनी क्यूबा भी कहा जाता है। क्वेश्चन है, 2019 में कौन सी लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं? तो अभी ये हुए हैं 17वीं लोकसभा के चुनाव। तो संपूर्ण देश में जो है 2019 में 17वीं लोकसभा के चुनाव हुए हैं। तो हरियाणा में 12 मई 2019 को इलेक्शन हुए हैं। तो भारत की जो पहली लोकसभा थी उसका चुनाव हुआ था 1951 में, और जो 16वीं लोकसभा थी उसका चुनाव हुआ था 2014 में। तो अब जो 17वीं लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं। नेक्स्ट है, इसरो के युविका कार्यक्रम के लिए हरियाणा के कितने विद्यार्थी चुने गए हैं? तो इसमें हरियाणा से 3 विद्यार्थियों का चयन हुआ है। तो विद्यार्थियों को अंतरिक्ष विज्ञान की ओर प्रेरित करने के लिए और उनकी प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए जो है वो इसरो ने युविका कार्यक्रम शुरू किया है। तो इस कार्यक्रम के तहत जो है वो संपूर्ण देश से 108 विद्यार्थियों का चयन किया गया है और इसमें 3 विद्यार्थी हरियाणा से चुने गए हैं। नेक्स्ट है, एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पानीपत रिफाइनरी पर प्रदूषण फैलाने पर कितना जुर्माना लगाया है? तो ये लगाया है 17.31 करोड़। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो ये पर्यावरण और उससे रिलेटेड देखभाल करती है, तो इसने पानीपत रिफाइनरी पर वायु और जल प्रदूषण फैलाने के कारण जो है 17.31 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यानी कि 17 करोड़ 31 लाख रुपए का जुर्माना जो वो पानीपत रिफाइनरी पर एनजीटी ने लगाया है। नेक्स्ट है, भारतीय कुश्ती संघ ने किसी पहलवान के डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाने पर उस पहलवान के साथ किस पर भी कार्रवाई करने का फैसला किया है? तो ये है कोच के ऊपर। तो भारतीय कुश्ती संघ ने अभी हाल ही में एक फैसला लिया है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय शिविर के दौरान किसी पहलवान की जो है वो डोपिंग टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उसके ऊपर जो है पहलवान के ऊपर भी जो कार्रवाई की जाएगी और उस पर प्रतिबंध लगेगा, और साथ में जो है शिविर में नियुक्त जो प्रशिक्षक है यानी कि जो खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देते हैं तो उनके ऊपर भी प्रतिबंध लगेगा और उनको जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो इसके तहत अगर किसी से जो प्रशिक्षक है उसको लगता है कि कोई पहलवान गलत कर रहा है या फिर उसके मतलब डोप टेस्ट जो होते हैं उससे रिलेटेड कोई गलत दवाएं ले रहा है तो वो उसकी सूचना कुश्ती संघ को देगा, और अगर इस तरह की सूचना वो नहीं देता है और पहलवान जो है वो डोप टेस्ट में पॉजिटिव होता है तो उस पहलवान के साथ उस कोच के ऊपर भी जुर्माना और प्रतिबंध लगाया जाएगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने इस बार 2019 में होने वाले स्वच्छता सर्वेक्षण को क्या नाम दिया है? तो ये दिया गया है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 लीग। तो केंद्र सरकार ने जो है वो 2019 में होने वाले स्वच्छता सर्वेक्षण के तरीके में जो है वो इस बार कुछ बदलाव किया है। तो इससे जो है इस बार स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 लीग का जो है नाम दिया गया है, और इसके तहत जो है इस बार हर 3 महीने में सफाई व्यवस्था संबंधित जो है वो रिपोर्ट दी जाएगी और उन्हीं का जो है वो आंकलन किया जाएगा। और इसके अलावा जो है वो एक और बदलाव किया गया है, तो इस बार जो है वो स्वच्छता सर्वेक्षण में 4000 नंबर जो होंगे, इससे पहले जो है वो 5000 नंबर होते थे परंतु इस बार 1000 नंबर घटाकर 4000 नंबरों का इसको किया गया है। नेक्स्ट है, टिक्करताल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये है पंचकुला में। तो हरियाणा के पंचकुला जिले में मोरनी हिल्स से थोड़े आगे जो है वो टिक्करताल नामक झील स्थित है।
तो मोरनी हिल्स जो है वो चंडीगढ़ के नज़दीक ही स्थित है, हरियाणा के अंदर पंचकुला में है। नेक्स्ट है, हरियाणा में लोकसभा चुनाव 2019 में लगभग कितने प्रतिशत मतदान हुआ है? तो इसमें जो है लगभग हुआ है 70.34% मतदान। तो हरियाणा चुनाव आयोग ने जो है वो एक रिपोर्ट जारी की है, तो उसके अनुसार हरियाणा में लोकसभा चुनाव 2019 में लगभग 70.34% का मतदान हुआ है। तो इसमें पुरुष मतदाताओं की जो है प्रतिशत रही है 71% और महिला मतदाताओं का प्रतिशत रहा है 69.61%। तो सबसे ज़्यादा जो मतदान प्रतिशत हुआ है अगर संसदीय क्षेत्र वाइज किया जाए तो सिरसा संसदीय क्षेत्र में सबसे अधिक 75.97% मतदान हुआ है, और सबसे कम जो है वो हुआ है फरीदाबाद में, जो कि 64.12% मतदान हुआ है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले के रवि कुमार ने माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई पूरी की है? तो ये रवि ठाकुर जो है ये हैं सोनीपत जिले के। तो सोनीपत जिले के तारानगर के रहने वाले रवि ठाकुर जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और इन्होंने 16 मई 2019 को विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला माउंट एवरेस्ट पर जो है वो सफलतापूर्वक चढ़ाई की है और वहाँ पर तिरंगा फहराकर प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है। तो रवि ठाकुर जो है वो इस समय गुड़गांव स्थित एक निजी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं। नेक्स्ट है, प्रदेश सरकार ने हरियाणा को कब तक मलेरिया मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है? तो ये है 2022 तक। तो हरियाणा सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि संपूर्ण हरियाणा को 2022 तक मलेरिया रोग से मुक्त कर लिया जाएगा, और इसके ऊपर जो है वो भी सरकार कार्य कर रही है। नेक्स्ट है, हरियाणा में फार्मा इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पॉलिसी बनाई गई है? तो ये बनाई गई है फार्मास्यूटिकल पॉलिसी 2019। तो हरियाणा सरकार ने प्रदेश में फार्मा इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए जो है अब फार्मास्यूटिकल पॉलिसी 2019 बनाई है, और इसमें जो है वो हरियाणा में फार्मा इंडस्ट्री में 25,000 करोड़ रुपए का जो है वो निवेश किया जाएगा और 20,000 नई नौकरियां जो है वो इसमें उत्पन्न होने के जो वो लक्ष्य रखा गया है सरकार की तरफ से। हरियाणा की किस बेटी ने तीसरी बार माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया है? तो दोस्तों ये फहराया है अनिता कुंडू ने। तो अनिता कुंडू ने 21 मई 2019 को तीसरी बार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया है। तो अनिता कुंडू जो है वो हरियाणा पुलिस में कार्यरत हैं, और अनिता कुंडू हिसार जिले के फरीदपुर गांव की रहने वाली हैं। तो अनिता कुंडू ने जो है वो इससे पहले सबसे पहले जो है वो 18 मई 2013 को जो है वो नेपाल के रास्ते से माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई की थी। दूसरी बार अनिता कुंडू ने 21 मई 2017 को चीन के रास्ते से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी, और अब जो है तीसरी बार 21 मई 2019 को सफलतापूर्वक चढ़ाई की है माउंट एवरेस्ट पर। नेक्स्ट है, हरियाणा में पहली बार जैव विविधता दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 22 मई 2019 को। तो 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस पर जो है वो थापली मोरनी हिल्स में हमारी जैव विविधता हमारा भोजन हमारा स्वास्थ्य की थीम पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो हरियाणा प्रदेश के सभी 22 जिलों के प्रतिनिधियों को जो है वो प्रकृति की इस सबसे अहम कड़ी के बारे में जागरूक करना जो है वो इस कार्यक्रम का मकसद रहा है। तो हरियाणा में जो है पहली बार 22 मई 2019 को जैव विविधता दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है, जैव विविधता बोर्ड के चेयरमैन कौन है? तो गुलशन आहूजा जैव विविधता बोर्ड के चेयरमैन है वर्तमान समय में। नेक्स्ट है, हरियाणा पुलिस के किस ASI ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा लहराकर रिकॉर्ड बनाया है?
तो ये हैं कपिल ठाकुर। तो कपिल ठाकुर जो है वो हरियाणा पुलिस में ASI हैं, यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं। तो इन्होंने भारत की राजधानी दिल्ली से नेपाल की राजधानी काठमांडू तक साइकिल से सफर तय किया, और उसके बाद में जो वो माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पर तिरंगा फहराया है। तो वे जो है ऐसा करने वाले दुनिया के पहले पर्वतारोही बन गए हैं, जिसने जो है एक देश की राजधानी से दूसरे देश की राजधानी तक साइकिल से सफर किया, और उसके बाद में जो है वो माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। तो कपिल ठाकुर जो है वो इस समय सोनीपत जिले में रह रहे हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा में वर्ष 2018 में कितने पौधे रोपित किए गए, यानी कि कितने पौधे लगाए गए हैं? तो ये लगाए गए हैं 1,30,00,000। तो हरियाणा वन विभाग ने वर्ष 2018 में लगभग जो है 1,30,00,000 पौधे लगाए हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा वन विभाग वर्ष 2019 में कितने पौधे रोपेगा? तो ये है 1,02,00,000। तो हरियाणा वन विभाग ने जो है वो हर साल राज्य में मानसून के सीजन में जो है पौधों की रोपाई करता है, और वर्ष 2019 में हरियाणा वन विभाग ने 1,02,00,000 पौधे रोपने का जो वो लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट है, भाखड़ा डैम के जल स्तर को लेकर हरियाणा और राजस्थान का किस राज्य से विवाद चल रहा है अभी सुर्खियों में? तो ये है पंजाब के साथ। तो भाखड़ा डैम जो है वो पंजाब, हिमाचल, हरियाणा और राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है, और पंजाब इस डैम के जल स्तर को जो है वो अपने हिसाब से भी इस्तेमाल करना चाहता है, और इसी को लेकर हरियाणा और राजस्थान का जो है वो इसके साथ विवाद चल रहा है। तो यह डैम जो है वो पंजाब के होशियारपुर में सतलुज नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, फतेहाबाद की किस बेटी ने 22 मई को माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया है? तो ये है मनीषा। तो मनीषा जो है वो हिसार में गुरु जुम्बेश्वर यूनिवर्सिटी की छात्रा है, और मनीषा ने 22 मई 2019 को माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक तिरंगा फहराकर हरियाणा और देश का नाम रोशन किया है। तो मनीषा जो है वो मूल रूप से फतेहाबाद जिले के बनवाले गांव की रहने वाली है, और मनीषा के पिता महेंद्र सिंह हिसार पुलिस लाइन में उप निरीक्षक के पद पर तैनात हैं, और इस समय जो ये हिसार में ही रह रहे हैं। तो मनीषा ने जो है इससे पहले 26 जनवरी 2019 को, यानी कि गणतंत्रता दिवस के अवसर पर, दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो को भी फतेह किया था। नेक्स्ट है, हरियाणा में किस प्रकार के वोट की पहली बार गणना हुई है? तो ये है ETPBS। तो हरियाणा में जो है वो 23 मई 2019 को पहली बार ETPBS वोट्स की गणना हुई है। तो ETPBS की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट्स सिस्टम। तो ETPBS जो है वो वोट देश के जवानों ने जो डाले थे, तो उनकी जो है इस बार अलग से गिनती हुई है, और ये सिस्टम पहली बार अपनाया गया है। नेक्स्ट है, किस हरियाणवी पर्वतारोही की माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने के बाद मृत्यु हो गई है? तो ये है दोस्तों रवि ठाकुर। तो सोनीपत के तारानगर के रहने वाले रवि ठाकुर ने जो है वो 16 मई 2019 को विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर तिरंगा फहराया था, परंतु बाद में जो है वो उनकी वहीं पर ही देहांत हो गया। तो ये जो है वो एक बुरी खबर है देशवासियों के लिए भी। नेक्स्ट है, लोकसभा 2019 चुनाव में हरियाणा की सभी सीटें किस पार्टी ने जीती हैं? तो जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, ये जीती है भाजपा ने। तो भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा 2019 चुनाव में हरियाणा की सभी 10 सीटें जीती है, और इसमें जो है वो भाजपा को देश में भी पूर्ण बहुमत मिला है। तो इसके लिए जो है भाजपा कार्यकर्ताओं को जो है वो बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, और देश के लिए भी जो है ये एक स्थिर सरकार बनी है, जो कि बहुत अच्छी रही है। तो आपको ये बताना है कि लोकसभा का जो 2014 का चुनाव हुआ था, उसमें हरियाणा में जो है वो बीजेपी को कितनी सीटें मिली थी? तो अब जो 2019 में बीजेपी को 10 सीटें मिली 10 में से, तो 2014 में बीजेपी को कितनी सीटें मिली थी वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और साथ में अगर आपको दूसरी पार्टियों का भी पता हो तो उनका भी बता दीजिएगा।
कि हरियाणा में उनको कितनी सीटें मिली हैं। मोदी मंत्रिमंडल में हरियाणा के कितने सांसदों को शामिल किया गया है? तो अभी जो है मोदी मंत्रिमंडल में 3 सांसद जो है वो हरियाणा से शामिल किए गए हैं। तो हरियाणा के 3 सांसद जो है वो हैं राव इंद्रजीत सिंह, कृष्णपाल गुज्जर और रतनलाल कटारिया। तो इन 3 सांसदों को जो है अभी जो नवगठित मोदी मंत्रिमंडल है उसमें स्थान मिला है। तो भाजपा ने जो है लोकसभा चुनाव 2019 में हरियाणा की सभी 10 जो है वो लोकसभा सीटें जीती है। नेक्स्ट है, हरियाणा के सांसद कृष्णपाल गुर्जर को मोदी सरकार में कौन सा मंत्रालय मिला है? तो ये दिया गया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। तो फरीदाबाद से सांसद है कृष्णपाल गुर्जर, इनको जो है वो मोदी सरकार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री बनाया गया है। इन्हें जो है वो राज्य मंत्री बनाया गया है और कृष्णपाल गुर्जर जो वो पिछली बार भी मोदी सरकार में मंत्री थे। नेक्स्ट है, हरियाणा के सांसद राव इंद्रजीत सिंह को मोदी सरकार में कौन सा मंत्रालय मिला है? तो ये मिला है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। तो गुरुग्राम से सांसद है राव इंद्रजीत सिंह, इनको जो है वो मोदी कैबिनेट में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री बनाया गया है और इन्हें जो है वो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव जो है वो दिया गया है। तो राव इंद्रजीत सिंह भी पिछली बार मोदी सरकार में शामिल थे, कृष्णपाल गुर्जर भी थे और राव इंद्रजीत सिंह भी थे। नेक्स्ट, हरियाणा के सांसद रतनलाल कटारिया को मोदी सरकार में कौन सा मंत्रालय मिला है? तो ये जो है तीसरे सांसद है हरियाणा से जिनको मोदी कैबिनेट में शामिल किया गया है। तो रतनलाल कटारिया जी को मिला है जल शक्ति मंत्रालय। तो अम्बाड़ा से सांसद है रतनलाल कटारिया, तो इनको जो है मोदी कैबिनेट में जल शक्ति मंत्री बनाया गया है और इन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। तो फ्रेंड्स, अभी जो नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर हमारे जो करंट अफेयर्स जो मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ तो वो सारे जनवरी 2019 के जो करंट अफेयर थे वो एक मैं वीडियो मैंने बनाया हुआ था, तो उसी से आपके लगभग जो 11 क्वेश्चन है वो आए हुए हैं और मैंने उसका आपको प्रूफ भी उस एक वीडियो बना के दे रखा है। तो वो वीडियो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मैंने दे रखा है, देख सकते हैं। और अगर आपको दोस्तों पसंद आए तो उस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि और दोस्त भी इससे लाभ ले सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा की किस खिलाड़ी ने भारत को 7वां ओलंपिक कोटा दिलाया है? तो ये दिलाया है मन्नू भाकर ने। तो मन्नू भाकर जो वो झज्जर जिले के गोरैया गाँव की रहने वाली है और मन्नू भाकर ने शूटिंग में जो है ये मेडल जीता है और भारत के 7वां ओलंपिक कोटा दिलाया है। तो मन्नू भाकर ने वर्ल्ड कप के 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में फाइनल में जो है वो चौथे नंबर पर रही थी ये, और चौथे नंबर पर रहकर भी इन्होंने ओलंपिक कोटा के लिए क्वालिफाई कर लिया था। नेक्स्ट, नेशनल हेराल्ड केस के तहत हरियाणा के किस जिले में स्थित प्लॉट को ईडी ने सील कर दिया है? तो ये है पंचकुला में। तो नेशनल हेराल्ड मामले में जो है वो इसकी प्रकाशक कंपनी है एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी कि AJL। तो उसको जो है पंचकुला के सेक्टर 6 में आवंटित लगभग 65 करोड़ कीमत के प्लाट को जो है वो ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय है उसने मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत जो है इसको अटैच कर लिया है। तो इस जो ये केस है इसमें काफ़ी बड़े बड़े नाम जो है हरियाणा से शामिल है। नेक्स्ट, हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग का नया सदस्य किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये बनाए गए हैं नरेश सरदाना। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नरेश सरदाना को हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग यानी कि HERC के सदस्य के रूप में जो पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। नेक्स्ट, हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के चेयरमैन कौन हैं? तो इसके चेयरमैन है जगजीत सिंह। तो हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना जो है वो हरियाणा बिजली सुधार अधिनियम 1998 के तहत साल 1998 में की गई थी और इस समय जो इसके चेयरमैन है वो है जगजीत सिंह। नेक्स्ट है,
जींद की किस पर्वतारोही ने माउंट एवरेस्ट को जो है वो फतेह किया है? तो ये है विकास राणा, तो जींद जिले के सुदकैन खुर्द गांव के रहने वाले हैं विकास राणा। तो विकास राणा ने जो है वो दुनिया की सबसे ऊंची जो चोटी है माउंट एवरेस्ट की, जो कि 8,848 मीटर ऊंची है, तो उसके ऊपर सफलतापूर्वक तिरंगा झंडा फहराकर हरियाणा और भारत का नाम रोशन किया है। तो विकास राणा जो है वो इससे पहले साउथ अफ्रीका की किलिमंजारो और रशिया की जो माउंट एल्ब्रुस चोटी है उनके ऊपर भी सफलतापूर्वक तिरंगा फहरा चुकी है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने प्रदेश में पानी की बचत के लिए कौन सी पायलट योजना शुरू की है? तो ये की है फसल विविधीकरण पायलट योजना। तो हरियाणा सरकार ने पानी की बचत करने के लिए जो है वो धान नए बीजने की सलाह दी है और इसकी जगह पर मक्का, अरहर और जो अन्य फसलें हैं उनको उगाने के लिए जो है फसल विविधीकरण पायलट योजना जो है उसकी शुरुआत की है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 29 मई 2019 को फसल विविधीकरण पायलट योजना की शुरुआत की थी और इस योजना के तहत जो है वो जो धान बाहुल्य राज्य जो जिले हैं जैसे अम्बाड़ा के अंदर जो है अम्बाड़ा वन और साहाखंड, यमुनानगर के अंदर रादौर, करनाल के अंदर असंध, कुरुक्षेत्र के अंदर जो है वो थानेसर, कैथल में जो पुंडरी, जींद का जो नरवाना है, सोनीपत का गन्नौर, इन खंडों में इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना ज्वार की 49वीं समूह बैठक का आयोजन किया गया है? तो यह किया गया है हिसार जिले में स्थित है ये। तो हिसार जिले में स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना जो कि ज्वार के लिए थी इसकी 49वीं समूह बैठक का आयोजन किया गया है और इसका आयोजन 28 से लेकर 30 मई 2019 तक किया गया है। नेक्स्ट है कि हरियाणा में भावांतर भरपाई योजना के तहत मई 2019 तक कितने किसानों को लाभ दिया जा चुका है? तो इसके तहत जो वो लगभग 3,978 किसानों को लाभ दिया जा चुका है। तो भावांतर भरपाई योजना के तहत जो है वो चार जो ये है आलू, बंद गोभी, टमाटर और प्याज, इन फसलों को जो इसमें कवर किया गया है और इनका जो है वो सरकार ने एक रेट निर्धारित किया हुआ है। अगर किसान की फसल उससे कम रेट पर बिकती है तो सरकार जो है वो उस निर्धारित रेट का जो मूल्य जो है वो किसानों को देती है, यानी कि जो उनके भाव में जो अंतर होता है उसकी भरपाई सरकार करती है, इसीलिए इस योजना का नाम भावांतर भरपाई योजना है। और हरियाणा में भावांतर भरपाई योजना के तहत जो मई 2019 के अंत तक 3,978 किसानों को लगभग 9,52,00,000 रुपए का लाभ जो वो दिया जा चुका है। नेक्स्ट है, हांसी की किस बेटी ने मिसेज हरियाणा का खिताब जीता है? तो ये है पूजा अलहान। तो गुरुग्राम में MYK मीडिया द्वारा आयोजित मिस एंड मिसेज हरियाणा प्रतियोगिता में हांसी की पूजा अलहान ने मिसेज हरियाणा का खिताब जीता है। नेक्स्ट है, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में एग्री बिजनेस इनक्यूबेशन सेंटर की शुरुआत कब हुई है? तो ये हुई है 25 मई को। तो हिसार जिले में स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने कृषि के क्षेत्र में जो है वो विभिन्न क्षेत्र है इनमें स्टार्टअप के लिए युवाओं और जो उद्यमी हैं उनका मार्गदर्शन करने के लिए, उनको जो है नवीनतम तकनीक देने के लिए और आधारभूत जो संरचनाएं हैं वो प्रदान करने के लिए एग्री बिजनेस इनक्यूबेशन सेंटर जो है वो स्थापित किए हैं। तो 25 मई 2019 को नाबार्ड के चेयरमैन ने जो है वो इस सेंटर का शुभारंभ किया था। तो नाबार्ड ने जो है वो HAU विश्वविद्यालय को इस सेंटर के लिए लगभग जो है 1,174,00,000 रुपए का अनुदान प्रदान किया है। नेक्स्ट है, हरियाणा में लोकसभा चुनाव 2019 में किस सांसद ने सबसे ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है? तो दोस्तों ये है संजय भाटिया, जैसा कि आपको पता ही होगा। तो हरियाणा की करनाल लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी संजय भाटिया ने लोकसभा चुनाव 2019 में जो है वो रिकॉर्ड 6,50,000 से अधिक मतों से जीत दर्ज की है। तो लोकसभा 2019 में जो है वो हरियाणा में दूसरी सबसे बड़ी जीत भी भाजपा प्रत्याशी की जो है कृष्ण लाल गुर्जर है इनकी हुई है, जो कि फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र से लगभग 6,38,000 मतों से जीते हैं।
तो फ्रेंड्स, हर वीडियो की तरह आपके लिए दो क्वेश्चंस हैं, तो इनका आंसर आप मुझे अभी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ताकि आपके रिवीजन का मुझे पता चलता रहे। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पाथरी माता मंदिर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो इसमें आपके ऑप्शन है ए पानीपत, बी करनाल, सी हिसार या डी सिरसा। तो इसका आंसर अभी दीजिएगा आप कॉमेंट बॉक्स में। और दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए कि हरियाणा की 23वीं मान्यता प्राप्त प्राइवेट यूनिवर्सिटी कौन सी बनी है? तो इसमें आपके ऑप्शन है ए देव स्थान ग्लोबल यूनिवर्सिटी, बी आकाशदीप यूनिवर्सिटी, सी ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी या डी स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी। तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर भी आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और जो मैंने इसी पिछली वीडियो में क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर भी आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन था कि हरियाणा में कौन सा संस्थान कृषि रत्न पुरस्कार पाने वाला पहला संस्थान बन गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय। और दूसरा क्वेश्चन था कि हरियाणा में कहाँ स्थित श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी? तो ये जो श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय है ये कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा, तो इससे जो है वो मुझे भी सपोर्ट मिलता है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि ये जो है अधिक से अधिक लोग इस जानकारी से लाभ ले सकें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल संदीप ढाले एजुकेशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आपको इसी तरह के करंट अफेयर्स और अन्य टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।